देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आर्थिक आधार पर सवर्णों को भी 10% का आरक्षण देकर सरकारी नौकरियों में उन्हें जगह मिले, इसका प्रावधान आज किया है। अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने पहले से ही ये निर्णय किया था, सबका साथ सबका विकास, और उसी रास्ते पर समाज के सभी वर्गों को स्थान मिले, सभी वर्ग आगे बढ़ें, इस दिशा में ये सरकार काम करती आई थी। और आज एक ये ऐतिहासिक फैसला करके इस सरकार ने ये साबित कर दिया कि सबका साथ सबका विकास जो मंत्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है, वो उसी मंत्र को लेकर लगातार आगे बढ़ रही है। पूरे देश में इसको लेकर बहुत खुशी का वातावरण है, मध्य प्रदेश में लोग बहुत खुश हैं, और मुझे लगता है कि इसके कारण बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को भी अब लाभ मिलेगा जो अभी तक लाभ से वंचित थे। 10% का जो तय किया है कांग्रेस ने, देखिए अब आरोप तो कभी भी कोई भी कुछ भी लगा सकता है, लेकिन मैंने कहा है सबका साथ सबका विकास, इस मंत्र के सरकार मंत्र के साथ ये सरकार लगातार आगे बढ़ रही है, और इसके कारण से पूरे देश में एक इसकी जो स्वीकार्यता आई है इस निर्णय की, उसके कारण कांग्रेस भयभीत है। लेकिन आज पूरा देश माननीय मोदी जी के प्रति आभार प्रकट कर रहा है, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी भी, मध्य प्रदेश की 7 करोड़ जनता भी माननीय मोदी जी के इस निर्णय के लिए उनका आभार। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।